गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य। मेरे पिछले वीडियोस के आधार पे जो हमने ऑलरेडी इम्यूनिटी के बारे में चालू किया है, उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप दे रहे हो और कई सारे क्वेश्चंस भी मुझे डायरेक्टली मिल रहे हैं। और आप लोगों की जो जिज्ञासा है उसको अगर मैं फुलफ़िल कर पाऊँ तो उसके लिए मैं आभारी रहूँगा। लास्ट लेक्चर के यानी कि पार्ट टू के अंदर, अभी तो वैसे पार्ट फोर चल रहा है, मगर पार्ट टू के अंदर जो मैंने वात पित्त और कफ के बारे में बात की थी, तो उसमें कई लोगों का क्वेश्चन था कि जो मेरा डेफिनेटली एक प्रोजेक्शन था कि ये क्वेश्चन आएंगे ही, क्योंकि आज तक हम कभी भी वात पित्त और कफ को सही मायने में नहीं समझ पाए हैं। ओके, इन लेमन लैंग्वेज के अंदर और स्पेशली इन गुजरातियों के अंदर वायु पित्त एंड कफ जो होता है वो सोशली काफ़ी ज़्यादा मर्ज हो चुका है, ये अवेयर है इन वर्ड्स से। अगर मैं इंडियन कल्चर की बात करूँ तो पूरे इंडिया में भी ये बहुत ही बेसिक वर्ड्स जो है वो समझे जाते हैं और उनको एक मालूम होता है कि यस दिस इज़ द थ्री थिंग्स जो कुछ हमारे शरीर के अंदर काम कर रहे होते हैं। ओके, मगर उनका जो मानना होता है वो बहुत ही अलग तरीके से और बहुत ही ज़्यादा जो प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए, जो प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए, उससे कई ज़्यादा हटके या दूर है हम। अगर मैं एक छोटी सी उदाहरण के तौर पे आपको एक समझाऊँ, जैसे कि वायु की अगर बात चल रही है तो ज़्यादातर हम वायु यानी सिर्फ पेट में होने वाला वायु और मुझे गैस, दर्द, कॉन्स्टिपेशन, उसके रिलेटेड ही वायु को समझा जाता है। ओके, और पित्त की बात करूँ तो सिर्फ एसिडिटी एंड ऑल दिस थिंग्स उसकी उसको ही सिर्फ पित्त या वो समझा जाता है। ओके, अगर हाइपर एसिडिटी है और आपको नोशियटिक या तो आपको वॉमिटिंग हो रही है बाइल की या एसिड की, तो वहाँ पे एक पेशेंट जो होता है या गुजराती पेशेंट, अगर मैं स्पेशली उनको लेकर बात करूँ तो वो ऐसा मान के चलते हैं कि मुझे पित्त की वॉमिट हुई है। ओके, तो एक कॉमन कंसेप्ट उनके माइंड में फिक्स हो चुका होता है। और अगर मैं कफ की बात करूँ तो कफ के बारे में अगर देखा जाए तो सिर्फ लंग्स के अंदर कोई तकलीफ हो रही है, खांसी हो रही है या फिर आपको बलगम निकल रहा है, देन वी आर रिलेटिंग दैट थिंग टू दी कफ दोष। ओके, ये तो एक जनरल बात थी जो अभी तक हमने बात की कि ये सारी चीज़ें हम एक्चुअली मानते हैं, मगर एक्चुअली क्या होगा और एक्चुअली मीनिंग कैसे होगे वो हम अभी इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारी पूरी इम्यूनिटी और पूरी सिस्टमेटिक थिंग जो है वो टिकी हुई है। अगर इसके बारे में ही हमें बेसिक पता नहीं होगा तो हमारी जो यूनिक लाइफस्टाइल है, इंडिविजुअल लाइफस्टाइल, हाँ, आयुर्वेद हमेशा इंडिविजुअली में मानता है, ग्रुपिज्म में नहीं। ओके, तो इंडिविजुअली हम कैसे उसको समझ के अपने आप में चेंज कर पाए उसके बारे में ही हमें देखना है। तो आज मैं सिर्फ आपको बहुत ही बेसिक थिंग बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ वात, व्हाट इज़ पित्त एंड व्हाट इज़ कफ इन जनरल। ओके, हम कैसे उसको कोरिलेट कर सकते हैं मॉडर्न के साथ में, कैसे उसको समझ सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, वो हमें जानना ज़रूरी है। तो वैसे वात, पित्त एंड कफ दोष, दे आर फिजियोलॉजिकली एक्टिव बायो एनर्जी। ओके, द थिंग इज़ माइंड माई वर्ड्स, फिजियोलॉजिकली एक्टिव बायो एनर्जीज जो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसमें तीन बायो एनर्जी ऐसी है जो हमारे शरीर को मेंटेन करने का काम करती है। ओके, त्रयो दोषा एवं त्रिदंडवत। ओके, इनको तीन दंड भी बोला गया है आयुर्वेद के अंदर, यानी कि तीन पिलर्स हमारी शरीर की फिजियोलॉजी को चलाने के लिए, यानी कि शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही है उसको नॉर्मल रखने के लिए ये तीन चीज़ों का होना और उनको मैनेज करना वो बहुत ज़रूरी है। ओके, तो दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द वात, पित्त एंड कफ। तो अभी सिर्फ मैं आपको एक सेंटेंस के थ्रू समझाना चाहूँगा कि वात, पित्त एंड कफ दे आर नॉट विजिबल थिंग। ओके, जैसे कि ये दिस इज़ वात, दिस इज़ पित्त, ऐसा आयुर्वेद के अंदर डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं बोला गया है। हाँ, उनका डेफिनेटली मैं सिर्फ अभी लेमन लैंग्वेज के अंदर बात कर रहा हूँ, इसीलिए कोई भी अगर वैद्य या कोई आयुर्वेदिक एक्सपर्ट अगर ये सुन रहा है तो उनको डायरेक्टली कोरिलेट ना करें, मैं अपोजिट कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मगर सिंपल लैंग्वेज में जैसे लेमन लैंग्वेज लेमन पीपल को समझ में आ जाए उसी लिए बात कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा अलग हो सकता है, मगर डायरेक्टली उसे ना समझे। जैसे कि मैंने बोला वात, पित्त, कफ को देखा नहीं जा सकता, तो कैसे हम समझेंगे, तो उसका एक उदाहरण है
मन को समझना। मन को हम जब समझने की कोशिश करते हैं तो मन इज नॉट इज विजिबल, मगर मन को हम कैसे समझते हैं, उसके कर्मों के द्वारा। ओके, तो सोचने का काम कौन करता है, तो मन करता है। ऐसे इनडायरेक्टली रेट्रो जो वर्सिकल कहते हैं हम, उसके थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो वैसे ही हमारा वात पित्त और कफ का फंडा रहता है, तो उसको समझा जाता है उसके गुणों के आधार पर, उसकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उसको समझा जाता है। ओके, जैसे कि वायु की प्रॉपर्टी है तत्र लुक्ष रघु शीत घर सूक्ष्म चल एंड अनिल, तो ये पूरा श्लोक है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो है वो बताई गई है। ओके, तो इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, मगर उसको एड्रेस करने के लिए दो तीन प्रॉपर्टीज़ जो है वो समझना है। दैट इज़ फर्स्ट इज़ वात, उसके अंदर चल गण जो है, चल गुण जो है, यानी कि चल प्रॉपर्टीज़ यानी कि मूवेबल थिंग्स आर रिलेट टू दी वायु दोष। तो आप कंटिन्यूसली मुझे देख रहे होंगे, मेरा हाथ कंटिन्यूसली ऐसे जा रहा है, मेरा हाथ पैर और बॉडी हिल रहा है, तो उसमें जो मूवमेंट हो रही है इट बिकॉज ऑफ वायु दोष। ओके, ऐसे हमें समझना है। यहाँ पे पेट के अंदर हम वायु को क्यों करते हैं, क्योंकि हमें रीगर्गिटेशन और दी गर्गलिंग साउंड जो है वो सुनाई देता है इंटेस्टाइन के अंदर, तो इसीलिए हम उसे वायु के साथ कोरिलेट करते हैं। और ये साउंड और ये जो मूवमेंट होती है, इट्स अ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंटेस्टाइन की। ओके, यानी कि हमारा खाना जो आगे जाना, उसके लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंटेस्टाइन के अंदर होती है, तो वो मूवमेंट अगेन वहाँ पे भी मूवमेंट आती है, तो इट्स वी कैन रिलेट विद दी वात दोष। ओके, तो ऐसे हमें देखना है। अभी और ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा। सूक्ष्म गुण तो बहुत माइन्यूटली काम करता है, सूक्ष्म होने की वजह से उसकी गति यानी कि चल गुण जो हो कैसे होगा, बहुत ही फास्ट होगा, तो हमारी पूरी नर्वस सिस्टम वी कैन कोरिलेट विद इट। ओके, जो हमारा मोटर एंड सेंसरी जो इम्पल्सिस है वो ले जाते हैं, लाते हैं, हमें कोई भी अगर जलन होती है, जैसे कि कोई गर्म चीज़ हमने पकड़ ली, तो विद इन अ सेकेंड वी जस्ट लेफ्ट इट लिव इट। ओके, तो वो ये विद इन अ मिली सेकेंड और विद इन अ सेकेंड जो ये छोड़ने का काम है, वो अगेन हम किसे किसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं, देन अगेन वायु। सेकेंड पित्त, पित्त का गुण संस्थ तीक्ष्ण उष्ण विश्वश्रम द्रव ऐसे गुण है, मगर उसका एक मेन गुण है उष्णता। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी चीज़ में करना है तो वी नीड द उष्णता। ओके, यानी कि गर्म चीज़ होना ज़रूरी है। सिंपल एग्जाम्पल, हमारा खाना पकाना नॉर्मल रॉ प्रोडक्ट होता है दाल चावल, उसके अगर हम पानी डाल के गर्म करते हैं तो गर्मी की वजह से क्या हो जाता है, पक जाता है और इजीली डाइजेस्टेबल मोड के अंदर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओके, तो वैसे हमें उसे जानना है। तो हमारे शरीर के अंदर रॉ प्रोडक्ट जो खाना होता है वो रॉ प्रोडक्ट होता है, क्योंकि वो एज इट इज़ यूटिलाइज नहीं होने वाला। अल्टीमेटली सेलुलर लेवल पे बॉडी को क्या चाहिए, तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल एंड अल्टीमेटली फैट का एक मॉलिक्यूल। ओके, तो ये एक एक मॉलिक्यूल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना और एक एक मॉलिक्यूल के अंदर मेटाबोलाइज करना एक रोटी को जो पकी हुई है, तो ये जो प्रोसेस होती है वो बिकॉज ऑफ उष्णता ही होती है। तो ये उष्णता की वजह से उसको हम पित्त के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, तो हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म जो है, ओके, ए वी कैन कोरिलेट विद दी पित्त दोष। एंड देन थर्ड थिंग इज अ कफ, तो कफ सिर्फ जैसे मैंने बोला यहाँ पे नहीं होता, तो कफ जो शरीर के अंदर कहीं भी रुक्षता है, तो ड्राइनेस होती है, उसे ओवरकम करने के लिए कफ दोष जो है वो प्रिडोमिनेंटली काम करता है। और कफ का एक गुण है गुरु, तो गुरु गुण जो है वो शरीर को कैसा रखेगा, स्टेबल रखेगा। अगर आप देखो कंपैरेटिवली लाइट पेपर, वन पेपर जो रहता है, और एक कोई घर का कोई भी चीज़ जैसे कि बॉटल है पानी भरी हुई या फिर पत्थर है सिंपल सा, जोर से हवा आती है तो कौन सा मूव करेगा, तो डेफिनेटली लाइट वन। ओके, तो लाइट वन जो है वो मूव करेगा, तो वहाँ पे कफ के अंदर गुरु गुण के वजह से शरीर के अंदर जो स्थिरता उत्पन्न होती है, स्टेबिलिटी, ओके, वो बिकॉज ऑफ कफ दोष होती है। यानी कि अगर आप एक घंटे ऐसे खड़े रह सकते हो, एक स्ट्रेट अवे खड़े रह सकते हो, जैसे मिलिट्री मैन रहते हैं या तो पुलिस मैन जो रहते हैं या तो ट्रैफिक मैन जो रहते हैं, कंटिन्यूसली खड़े रहना, ओके, तो अगर उनका शरीर तभी ये एग्जीक्यूट कर पाएगा जब उनका शरीर का कफ जो है वो प्रॉपर वे में होगा या तो अच्छी तरह से बना होगा। ओके, तो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन वात पित्त एंड कफ जो हमें जानना है इसके बारे में। आगे हम लेक्चर 5 के अंदर इसके ऊपर जो डिपेंड है, देर इज़ टू टाइप ऑफ वात पित्त कफ, दैट इज़ प्राकृत एंड वैकृत, उसको जानना ज़रूरी है। देन वी आर प्लानिंग टू डिस्क्राइब द होल थिंग ऑफ प्रकृति, यानी कि प्राकृत दोष वात पित्त एंड कफ के अकॉर्डिंगली हमारे शरीर के अंदर कैसी नॉर्मल फिजियोलॉजी रहती है उसके बारे में जानना ज़रूरी है, तो वो आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। देन उसके बाद में एक्चुअल वात पित्त कफ
जो प्राकृत थे वो वैकृत कैसे काम करते हैं, कैसे डिसीज क्रिएट करते हैं और कैसे हमारी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करते हैं वो जानना है, और अल्टीमेटली हमारी इम्यूनिटी जो है वो कैसे इन तीनों दोषों के ऊपर डिपेंड रहती है वो प्रकृति में भी आएगा और इसके बाद के लेक्चर में भी आएगा। प्लीज़ स्टे विथ मी, स्टे ट्यून्ड। दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य, माई चैनल नेम इज़ वैदिक आयु प्रोडक्शंस। प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और इस लेक्चर को अगर आपको अच्छा लगे तो जस्ट प्लीज़ उसे शेयर कर सकते हो अपने कलीग्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में, क्योंकि इट्स वेरी नेसेसरी द बेसिक थिंग आयुर्वेद के बारे में जानना, अदरवाइज आप हमेशा कॉम्प्लिकेशंस और कन्फ्यूजन के अंदर रहोगे कि एक्चुअली आयुर्वेदा कैसा है और कैसे सिर्फ काढ़ा पीने से बॉडी ठीक हो जाएगा, तो उसका आंसर होगा नहीं। अगर आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं करोगे डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बहुत ही लोकल लेवल पर रहेगा, बहुत ही माइन्यूट रहेगा। अगर उसको वास्ट एक्सपीरियंस के अंदर लेना है तो यू हैव टू फॉलो द आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल, दैट इज दिनचर्या एंड ऋतुचर्या, उसका भी हम अलग से बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे। जय आयुर्वेदा, जय भारत।